बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूएई उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुतहदा अरब अमारात में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो आप दोस्तों शेयर करने जा रहा हूँ। मुतहदा अरब अमारात की रियासत दुबई में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ एक पाकिस्तानी जान की बाजी हार गया। ज़राए के मुताबिक मुतहदा अरब अमारात की रियासत दुबई में दो पाकिस्तानी ग्रुपों में तसादुम हुआ। एक तरफ चांडिया बरादरी बताई जा रही है और दूसरी तरफ खितरान बरादरी बताई जा रही है। चांडिया बरादरी और खितरान बरादरी में किसी बात पर झगड़ा हो गया। ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गया जिसमें मुक्कों और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ, जिसके नतीजे में इमरान खितरान, जो कि खितरान बरादरी से ताल्लुक़ था, जिनका जान की बाजी हार गए। इमरान खितरान जो कि भुट्टा कलोनी डेरा गाजी खान का रिहायशी था और माँ बाप की अकलौती औलाद थी। हम दुआगो हैं अल्लाह पाक माँ बाप को सब्र जमील अता फरमावे और दुआगो हैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। अल्लाह के वास्ते आप लोग बाहर हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अगर आपने लड़ना है, झगड़ना है, झगड़े करने हैं, एक दूसरे के मार पिटाई करनी है, एक कत्ल वगारत करनी है, तो अपने मुल्क में करिए जहाँ आप फ्री कर सकते हैं। कोई कानून नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप क्यों गरीब लोगों की रोज़ी पे लात मार रहे हैं गैर मुल्क में जा के, वहाँ पर आप एक दूसरे से लड़ते हैं, कत्ल वगारत करते हैं, जिससे हमारे पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब होता है और जिसकी वजह से हमें अच्छी निगाह से भी अरब कंट्रीज़ नहीं देखते हैं। और मेरे ख्याल में चंद महीनों से पाकिस्तान के लेबर वीज़े भी इसी वजह से बंद हैं, जिस वजह से ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हम दुआगो हैं अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तानियों को अक्ल अता फरमाए और इन्हें समझ बाला अता फरमाए। अगर झगड़ा फसाद करना है तो प्लीज़ अपने मुल्क में करिए, दूसरे मुल्क में पाकिस्तान का नाम बदनाम मत करिए। अल्लाह हाफिज़।